आज लगता है मैं घर में काफी देर तक सोती रही। अरे ओ रंगा, बिल्ला, कहाँ गए तुम दोनों? अरे क्या बुढ़ी माँ, हम तो यहीं पर हैं। पर तुम्हें हुआ क्या है, बोलो तो बुढ़ी माँ। अरे मेरे लाल, आखिर मुझे क्या होगा? असल में तुम दोनों को ना देखूं तो मेरा मन झटपटाने लगता है, इसीलिए पुकार रही थी। तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी चिंता साफ झलक रही है। ये बात तो सही है, पता नहीं पर मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। तो हमें भी तुम्हारे मन की बात बताओ। अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, कई दिनों से मेरा मन मेरे पोती को मिलने के लिए छटपटा रहा है रे। ओ बुढ़ी माँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें हिचकिचाने वाली ऐसी कौन सी बात है? अब उसकी याद आती है तो उसे देखने का मन करता है। अब देखने का मन कर रहा है तो कुछ दिन पोती के यहाँ ठहर कर आओ। अब तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो कुछ दिन ठहर कर आ जाती हूँ, क्या कहते हो? अब इसमें कहने वाली क्या बात है? ठीक है, फिर मैं जाकर आती हूँ, तुम दोनों घर का ध्यान रखना। तुम निश्चिंत होकर जाओ बूढ़ी माँ, हम सब संभाल लेंगे। वैसे आज तो जा नहीं सकती, कल सुबह सुबह पोती को मिलने निकल पड़ोगी। थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हूँ, सूरज ढलने से पहले पोती के यहाँ पहुँच जाना होगा। पर कहाँ भैया, ये सफर कोई छोटा थोड़े ही है। उफ़, ये रास्ता तो जैसे खत्म ही नहीं होता। इस तरह चलते चलते प्रभु का नाम लेते लेते जल्दी से पहुँच जाऊंगी। माज रहा है भाई, नहीं नहीं थोड़ा और पास जाकर देखता हूँ। अरे हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, ये तो साक्षात एक बुढ़िया है। देखो कैसे मटक मटक कर सीधे इसी तरफ आ रही है। ओहो, आज तो लगता है शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, भोजन खुद अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आ रहा है। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो एक लोमड़ी है, वो मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? अरे वाह, तो क्या ना देखूं, ऐसा दृश्य तो हर रोज देखने को नहीं मिलता। जो देखना था देख लिया ना, अब मेरा रास्ता छोड़ो तुम, मुझे जाना है। अरे कैसी बातें कर रही हैं, मैं रास्ता छोड़ दूं? हाँ ऐसा भी कभी होता है क्या? अरे अच्छा, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा बताना? क्यों, मैं तुम्हारी बोटियाँ खाऊंगा, हड्डियों को चबा चबा कर खाऊंगा। जाने कितने दिनों के बाद आज इस भोज का आयोजन हुआ है। बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे मार कर तुम्हारे लिए एक बढ़िया खाने की व्यवस्था हो जाएगी, है ना? जब इतनी समझदार हो तो फिर मरने के लिए मन ही मन तैयार हो जाओ। अरे मर गई रे, ये तो सच में मुझे मारने के लिए धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ रही है, कोई और तरीका सोचना होगा। क्या हो गया बुढ़िया, डर के मारे हाथ पैर कांपने लग गए क्या? अब हाथ पैरों का क्या है भैया, हाथ पैर के नाम पर शरीर में अब सिर्फ हड्डियां ही तो हैं।
अब इसमें बूटी जैसी कोई चीज तो बची नहीं। बात तो तुमने पते की है, पर अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में जब रहेगा आलू तो क्या करेगा लालू। पर मैं कह रही थी कि अगर तुमने थोड़ी धीरज रखी तो हो सकता है तुम्हें खाना मिल जाए। वो कैसे, बताना जरा। मैं पहले जरा अपनी पोती के यहाँ से बूटी ताजी होकर आती हूँ, उसके बाद चाहे तो तुम मुझे कच्चा ही खा जाना। अभी खाया तो सिर्फ हड्डी और चमड़ी ही नसीब होगी, मेरे शरीर में अब बचा ही क्या है। ठीक है ठीक है, तो फिर मोटी होकर लौटो, उसके बाद ही तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगा। चलो भैया, अब जान में जान आई, अब जरा निश्चिंत होकर आगे का बचा हुआ सफर तय कर लेती हूँ। अब लगता है सामने कोई और खतरा नहीं दिखेगा। जो भी सोच रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है बुढ़िया। अरे मर गई रे। अरे वो कहते हैं ना भाई, जिसे नहीं ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिले। अरे नहीं नहीं, घर के पिछवाड़े कहाँ, बिल्कुल सामने हूँ। रुको, पहले जरा तुम्हें चबा चबा कर खा तो लूँ। अरे क्या कह रहे हो, इतने भी जल्दी क्या है। अभी रुको, पहले तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी बातें तो कर लो। मेरे साथ बातें करेंगी, सठिया गई है क्या, और कोई मिला नहीं बातें करने को। ओह कैसी बातें करते हो, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जाने कितने दिनों बाद मनुष्य की बोटियाँ नोचूंगा। ये भी कोई टाइम है बातें करके समय खराब करने का, मुझे क्या तूने उल्लू समझ रखा है। उल्लू तो तुम हो, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है। देखो बुढ़िया, अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भैया, उल्लू न हो तो कोई इस हड्डी के ढांचे को चबाने की इतनी जल्दबाजी थोड़ी करता है। मतलब साफ है, अगर तुमने मुझे अभी खाया तो सिर्फ हड्डियाँ और चमड़ी नसीब होगी, अब इस शरीर में बचा ही क्या है। मतलब ये कि तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है तो। तुम चिंता मत करो भाई, बस एक बार पोती के यहाँ चली जाओ, फिर तुम मुझे देखना, खा खा कर मेरा चेहरा ऐसा मोटा हो जाएगा कि मुझे खाना तो दूर, देख कर ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। वाह, ये तो बड़े पते की बात है। तो फिर जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे मेरे पोती के यहाँ जल्दी से पहुँचने दो। वाह तो तुम जाओ, पर याद रखना मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूँगा, मैं इसी रास्ते के पास तुम पे ही नजरें टिका के रखूँगा, खबरदार अगर होशियारी की तो। अरे उसे लेकर तुम निश्चिंत रहो, जब तक बची रहूँगी अपनी बात से नहीं फेरूंगी। जान बची तो लाखों पाए, अब बिना इधर उधर देखे सीधे बिल्कुल नाक की सिद में निकल लेती हूँ। जाने आज सवेरे नींद से उठते वक्त किसका चेहरा देखा था, ये तो साक्षात एक बुढ़िया मेरी तरफ चली आ रही है। तो सही है, मैं भी मन ही मन तैयार हो जाता हूँ, सीधा झपट कर खा जाऊंगा। लो कर लो बात, अब ये क्या है भैया। अब इस बदकिस्मत बुढ़िया को यहाँ भी टाइम पास करना होगा। क्या हो गया बुढ़िया, मुझे देखकर मन ही मन क्या बोल रही हो।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन ही मन सोच रही थी क्या किस्मत पाई है मैंने। अरे अब इस किस्मत को क्या हो गया। अरे वाह, तुम्हारे साथ मुलाकात जो हो गई, ये भी कोई कम किस्मत वाली बात है। किस्मत है या बदकिस्मती, वो तो अभी पता चल जाएगा। कैसी बातें करते हो, मैं और बदकिस्मत। हाँ दरअसल अभी के अभी मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरन बनाकर अपना पेट पूजन करूँगा। तो फिर खुद ही देख लो किस्मत किसकी खराब है, मेरी या तुम्हारी। इसका मतलब? मतलब साफ है, मेरे शरीर में बोटियाँ कहाँ है? है तो सिर्फ गिरी चुनी कुछ हड्डियाँ और सूखी चमड़ी। अब इन्हें खाकर तुम्हारा क्या होगा। पर तुम्हें आज छोड़ दिया तो ये भी नसीब नहीं होगी। अरे मेरे भैया, मैं तो अपनी पोती के यहाँ जा रही हूँ। पहले वहाँ पहुँच कर खा पी कर मुझे मोटा तो हो जाने दो, उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। तो तुम अभी खाओगे मुझे? बात तो बुढ़िया सही कह रही है। अब तुम ही बताओ, अभी सिर्फ हड्डियाँ चबाओगे या बाद में हड्डियों के साथ बोटियों के भी मजे लोगे? नहीं नहीं, ऐसा है कि तुम जाओ अपनी पोती के यहाँ, खाओ पियो, तब तक मैं यही इंतजार करता हूँ। यही अच्छा होगा, तो अब मैं चलती हूँ। पर याद रखना बुढ़िया, मेरे हाथों से तुम बचकर नहीं जा सकती। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब और ज्यादा दूर नहीं है, वो रहा घर। थोड़ा और चलूंगी तो अपनी पोती के यहाँ पहुँच जाऊंगी। चलो शुक्र है घर तो आ गया। क्योरी कहाँ चली गई तू? बाहर निकल कर देख तो कौन मिलने आया है तुमसे। अरे वाह दादी माँ आप, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे घर आ गई। कैसे ना आओ बेटी, तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं था मैंने। लेकिन दादी माँ आपकी ये हालत कैसे हो गई? शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। पर ये तो देख, अब तो मैं तेरे यहाँ आ पहुँची हूँ। अब मुझे किस बात की चिंता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दादी माँ, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मैं आपकी ऐसी सेवा करूँगी कि आप खुद को ही ना पहचान पाओगी। अरे वाह सच कह रही है तू। खाने के बाद लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ लगा रहे हैं। ओ दादी माँ आओ जल्दी आओ, स्नान हो गया है, अब खाना खा लो। अरे दैया रे दैया, इतनी बड़ी मछली का सर। हाँ और ये देखो इतनी सारी सब्जियाँ, साथ में इमली की चटनी। तालाब की ताजी मछली है, आप तो खाए बगैर रह ही नहीं सकती। अब तूने इतने प्यार से बनाया है तो जरूर खाऊंगी। बड़ी अच्छी खातिरदारी हो रही है मेरी। पोती के घर आई हो, इसे अपना ही घर समझिएगा दादी माँ। अब ये भी कोई कहने की बात है। ना खाना खा लिया, अब रात को मैं ना खाऊं तो भी चलेगा। ये
सब नहीं चलने वाला, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे दोपहर जिस तरह खाया, अब और किस मुंह से खाऊं बोल तो। नहीं नहीं, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, लो कम से कम दही तो खा लो। तू इतनी जिद कर रही है तो खा लेती हूँ। हाँ ये लो। इतना खाऊंगी तो कुछ दिनों के बाद मुझे कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा। इस तरह एक एक दिन करके पूरा एक महीना बीत गया और फिर आ गया वो वाला दिन। बुढ़िया अपनी प्यारी पोती को पास बुलाकर बोली, अब मुझे वापस जाना होगा बेटी। ये क्या दादी माँ, अभी अभी तो आई हो और वापस जा रही हो। नहीं रे, अब वापस जाना ही होगा। ठीक है, जैसा आपको लगे। ना ना बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, वरना मैं वापस कैसे जाऊंगी। ना ना ना। ठीक है, तो फिर मैं आपको हंसते हंसते विदा करूंगी। ठीक है, तो फिर यही शर्त रही, पर अब तो मैं सही से चल भी नहीं पाऊंगी। हाँ, आपकी तबीयत पहले से काफी अच्छी हुई है। तब तो लगता है कि मुझे लोट लोट कर घर जाना होगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दादी माँ? अब क्या बताऊँ, रस्ते में भालू, चीता और लोमड़ी मुंह फाड़ कर खड़े हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे देखा नहीं कि झट से खा जाएंगे। अच्छा तो ये बात है। अब बता मैं क्या करूँ बेटी? डरने की कोई बात नहीं दादी माँ, सुनो मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। देखो। अरे दैया, ये तो लौकी का खोल है। मैं इसे खोखला करूंगी और आपको इसमें बिठा दूंगी। अरे बस बस, फिर तो चीता भालू को समझ में भी नहीं आएगा और मुझे खा भी नहीं पाएंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, मैं इसे खोखला करती हूँ, आप इसमें बैठ जाइए। वाह 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 वाह, ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया है। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अरसा बीत गया, उस बुढ़िया के इंतजार में मुंह फाड़े बैठा हूँ, पर बुढ़िया का कोई नामो निशान तक नहीं है। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या बला है? निकालो मर जाएगी। अरे अरे, ये तो एक लौकी है। नहीं नहीं, ये बुढ़िया नहीं हो सकती और इसे खा भी तो नहीं सकते। वो बुढ़िया जरूर चुपके से इधर से निकल गई होगी। कहाँ गई ये बुढ़िया, कहाँ चली गई? यहाँ मैं बैठे बैठे भूख के मारे मर रहा हूँ। लौकी और दाल पानी में उबाल। अब ये क्या तमाशा है? मामले को जरा कंट्रोल कर देखना होगा। ये लौकी मेरी तरफ दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही है? अरे नहीं, ये 100% लौकी ही है, ना तो ये बुढ़िया है और ना ही ये मेरे खाने लायक चीज है। ची 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 ची। अब इसे रख कर क्या होगा? अरे अरे, ये क्या माजरा है, लौकी फरारी बनी हुई है। बाहर गर्मी होती है, अंदर बुढ़िया सोती है। पर ये लौकी कब से बतियाने लगी भैया? हैं, नहीं नहीं, पता लगाना ही पड़ेगा इसके अंदर क्या है। अह
अरे अरे यही रही बुढ़िया, अब बता कहाँ भागेगी। अरे तैया, मैं क्यों भागने लगी भला, तुम मुझे खाओगे जान कर ही तो मैं दौड़ी दौड़ी मेरा मतलब लोट लोट कर चली आई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, तो फिर आओ तुम्हें खा जाता हूँ। पर उससे पहले मेरा जी कर रहा है कि मैं तुम्हें दो गाने सुनाऊं। दो गाने? ये ऐसा हुआ तो अच्छा ही रहेगा, दरअसल मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो फिर चलो उस टीले पर चढ़कर दोनों भाई बहन सुर मिलाते हैं। चलो पहले गाना बजाना और उसके बाद दबा के खाना। इधर तो आओ। अरे अरे, ये तो बूढ़ी माँ की आवाज है। हाँ, लगता है वो किसी मुसीबत में है और हमें बुला रही है। तो चल जल्दी से जाकर बूढ़ी माँ को बचाते हैं। आओ आओ, देख तो जरा इस शैतान के हाथ से मुझे बचा तो जरा, जल्दी आओ। अरे बाप रे, जिंदा रहा तो ढेरों बोटियां खा पाऊंगा। फिलहाल यहाँ से कट लेता हूँ। देखो, ऐसा भी कभी देखा है क्या?